हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बहुत सारी क्वेरीज आई कि गर्मियों में कौन सा डाइट प्लान होना चाहिए जिससे जल्दी हमारे मसल्स ग्रो हो और जो मसल डेवलप है वो उसका साइज कम ना हो। तो बात करेंगे आज गर्मियों के मौसम की डाइट की जिससे मसल गेन हो। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा डायरिया डिसेंट्री हो जाता है पानी की कमी के कारण, या हम बाहर का कुछ गलत मलत खा लेते हैं, या पानी ज़्यादा कम पीने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा जो पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाती है और डाइजेशन अच्छे से नहीं होती। तो हमें करना क्या चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, इन सभी बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे गर्मियों के मौसम की। तो गर्मियों के मौसम में हमें पसीना ज़्यादा आता है जब हम वर्कआउट करते हैं जिम में, या आउटडोर गेम करते हैं, या कोई भी ऐसी गेम जिसमें आप अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, मसल गेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो सबसे पहले गर्मियों के मौसम में आपने 5 से 7 लीटर पानी पीना है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, बॉडी बिल्डर हैं, रेसलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है तो उनका वाटर इनटेक जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। तो 7 लीटर पानी जो पीना है उसमें 1 लीटर आपका दिन में 4-5 बार आप लेमन वाटर, नींबू पानी पी सकते हैं। 5 नींबू गर्मियों के मौसम में मिनिमम आप ले सकते हैं। बहुत सारी गलत धारणा है कि लेमन वाटर या नींबू पीने से हड्डियां खुर जाती हैं या हमारी जो किडनियां हैं वो खुर जाती हैं, ऐसी बहुत सारी गलत धारणा है। नींबू से, लेमन से कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। विटामिन सी हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा चाहिए, सर्दियों में भी चाहिए, गर्मियों में ज़रूर चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे सेल्स की रिपेयर करता है, नए स्टेम सेल्स को बढ़ने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, बी कम्प्लेक्स आपने सप्लीमेंट लें, या वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स ज़्यादा लें। फ्रूट अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपके मेंटेन रहेंगे और बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आप एनर्जेटिक, आप हर वक्त रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका डाउन नहीं होगा। तो ये बात थी एक पानी पर, डिहाइड्रेशन पर। अब आते हैं, हमने खाना 3 टाइम 4 टाइम या 5 मील अगर कोई भी आदमी ले रहा है अपने गेम के हिसाब से, आपने उसे कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले सुबह आप शरदाई ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट, जो जिन लोगों को भी स्पोर्ट्समैन को सभी को पता है शरदाई कैसे बनानी है, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो डिपेंड है आपके वर्कआउट पर, आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं, आपका बॉडी वेट कैसा है। तो आप शरदाई ले सकते हैं मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको यही अपील करता हूँ और ये इन बातों पर जोर देता हूँ कि आपकी डाइट कॉम्प्लेक्स डाइट होनी चाहिए, जिसमें सभी कंपोजिशन, गुड फैट, गुड प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट, उसका कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में एक रेगुलर डाइट जाए और रेगुलर ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जाए। तो अगर आप ऐसी डाइट खाएंगे, ऐसी डाइट से आपका मसल गेन ज़्यादा होगा और बहुत बढ़िया क्लैरिटी आएगी। तो आपने करना क्या है, आप वेजिटेबल सूप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दूसरा, अपने 3 मील अगर लेते हैं या 4 मील अगर आप लेते हैं उसमें वेजिटेबल सूप्स लें और ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम लें। अब कम्प्लेक्स डाइट बनानी कैसे है, पहले आप चीज़ें कौन सी इकट्ठा करेंगे, आपने थोड़ी सी ग्राउंडनट मूंगफली ले लेनी है, फिर आपने ले लेनी है सोयाबीन वड़ियाँ, और
तीसरी चीज आपने ले लेनी है पनीर, चौथी चीज आपने ले लेनी है चीज, पांचवी चीज आपने ले लेनी है ग्रीन वेजिटेबल, छठी चीज क्या लेनी है सीरियल्स पल्सेस, इसको दो तीन आप दालें ले सकते हैं, उसके दो दो चम्मच लें, तो इन सभी को आप लें मिलाएं और इनको कुक कर दें एक पुलाव की तरह। तो इसमें डाइट में आपको सभी कुछ मिल गया। जब ये राइस बन गए तो आप सूप के साथ ले लें या कोई भी तरी वाली सब्जी या आप कर्ड के साथ, अगर ये चारों मील आप एक बार भी बना सकते हैं। आपने अगर इसको पतला बनाना है तो पानी ज़्यादा डाल लें, अगर आपने नॉर्मल पुलाव की तरह खाना है तो आप किसी दाल के साथ ले लें या कर्ड के साथ ले लें। ये चार मील आप एक वक्त भी बना सकते हैं या चारों बार आप फ्रेश भी बना सकते हैं, ये डिपेंड ऑन आपके आपका डेली रूटीन, आपके जॉब पे डिपेंड करता है, आपके वर्किंग जो आपका लाइफस्टाइल है उस पे डिपेंड करता है कि आप अगर फ्रेश बनाना चाहते हैं तो भी आप तीन चार बार खाते हैं मील तो आप हर बार फ्रेश बना लें, अगर आप आपके पास टाइम की कमी है तो एक बार सुबह बना लें और फ्रिज में रख दें गर्म करें और खा लें। तो ये अगर आप डाइट खाते हैं तो इस डाइट से आपका गर्मियों के मौसम में एक अच्छा गेन होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे से हजम हो जाएगा और ज़्यादा अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्प्रूव करना है तो आप दिन में एक बार एप्पल विनेगर या जो पंजाब में गन्ने का सिरका जो बनता है शुगर केन विनेगर, मार्केट में बहुत कम मिलता है, बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, वो आप दिन में कभी भी एक बार ले सकते हैं। क्वांटिटी उसकी कितनी है, 100 ml आपने पानी गर्म करना है और उसमें 15 ml आपने एप्पल विनेगर या शुगर केन विनेगर डाल लेना है, उसको सिप सिप करके पिए। उससे क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो गुड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा डेवलप होंगे, बैड बैक्टीरिया मरेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, खाने को हजम करने का जो प्रोसेस है बहुत ही बढ़िया होगा और आपको पेट में गैस भी कम बनेगी, आपका पाचन क्रिया पाचन तंत्र जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, जिससे आपका खाना पूरे डाइजेस्ट होने के बाद आपके लिवर में जाएगा और आपके डाइट में जितने भी गुड विटामिन मिनरल्स प्रोटीन गुड फैट गुड कार्बोहाइड्रेट वो आपके ब्लड के थ्रू आपके मसल के एक एक सेल में जाएगा, नए सेल की ग्रोथ होगी स्टेम सेल्स की, और जो वर्कआउट के बाद आपके मसल्स की जो रिपेयर करने में ये डाइट आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये डाइट अगर आप करते हैं कुछ ही महीनों में आप फर्क महसूस करेंगे। तो इस गर्मियों के मौसम में जो चार महीने हैं इस डाइट प्लान को फॉलो करें, और भी आगे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे डाइट पर और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।